व्यूअर्स, मैं सरला गुप्ता और आपका स्वागत है मेरे चैनल sarlagupta.com पर। आज हम जो ब्रेड के क्रम्स निकलते हैं उससे हम लड्डू बनाने जा रहे हैं, तो देखिए क्या क्या चीज चाहिए हमें। आज उसके लिए होता क्या है कि हम बहुत सारे ब्रेड काटते हैं, कई डिशेज बनाते हैं, तो इतने सारे ये बच जाते हैं, ब्रेड क्रम भी कितना बनाएंगे हम लोग। तो सोचा कि इससे कुछ नया बनाया जाए, तो इसके हम चूरमा लड्डू बनाने की सोच रहे हैं और वो आपको दिखाते हैं कैसे बनते हैं, अच्छे भी बनते हैं। और इसके लिए हमें चाहिए ये, और एक डेढ़ कप शुगर ली हमने, थोड़ा सा कोकोनट पाउडर लिया है, और घी चाहिए, और कुछ मिक्स नट्स चाहिए। तो चलिए बनाते हैं। तो इस ब्रेड को हम थोड़ा सा ग्राइंड करेंगे, बारीक पाउडर बनाएंगे, और फिर उसमें सब चीज़ें मिला के हम दोबारा उसे घी में भूनेंगे अच्छी तरह से, तब उसके लड्डू बनाएंगे हम लोग। हमने वो ब्रेड को पीस करके और इस तरह छान लिया है अच्छी तरह, तो निकला कुछ नहीं। और साथ में हमने थोड़ा मिल्क पाउडर भी लिया है आधा कप, और ये ग्राइंड नट्स को हमने इस तरह से बारीक चंकी थोड़ा ग्राइंड किया हुआ है, जो हम अब आटा भूनेंगे घी में और थोड़ा सा ये नट्स वगैरह सब मिलाएंगे और फिर उसके लड्डू बनाएंगे। हमने 2 चम्मच घी लिया है, 2 टेबल स्पून, और उसमें हम ये ब्रेड का थोड़ा भूनेंगे अच्छी तरह, थोड़ी मीडियम हीट पे भूनेंगे। ये होल व्हीट ब्रेड थी तो अच्छे बनते हैं, इससे भी पौष्टिक भी होते हैं, मैदा ज़्यादा नहीं होता इसके अंदर। इतने सारे क्रम्स हो उनका यूज हो जाता है। थोड़ा सा ये ज़्यादा तो नहीं भूनना है क्योंकि ब्रेड ऑलरेडी बनी हुई होती है, लेकिन हमने ब्रेड को भी थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था जो टुकड़े थे ब्रेड के उसको, तो इसलिए ज़्यादा नहीं भूनना पड़ेगा, थोड़ा सा ही 5-7 मिनट। हमने 5-6 मिनट इसे भूना, अभी थोड़ा गर्म है तो हमने नट्स थोड़ा क्रश किए थे वो डाल दिए, बारीक नट्स, इसमें काजू बादाम अब जो भी नट्स चाहें वो डाल सकते हैं, पिस्ता वगैरह सब। इस तरह डाल करके फिर हम इसमें शुगर डालेंगे, थोड़ा ठंडा हो जाए तब। तो हमने शुगर को भी पीस लिया था, बिल्कुल ग्राइंड कर लिया था, तो इतनी बारीक शुगर है वो हम इसमें डाल देंगे। नट्स का टेस्ट भी आता है, अच्छा लगता है, शुगर भी कोकोनट भी थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर, थोड़ा सा हमने कोकोनट भी डाला ग्रेजुएटेड पाउडर, और थोड़ा सा मिल्क पाउडर डालेंगे थोड़ा खोया का टेस्ट देने के लिए। तो इतने सारे ब्रेड क्रम्स हो जाते हैं उसका कुछ बनाया है, तो ये बनाने की सोचिए, आप भी ट्राई जरूर कीजिएगा, अच्छा लगेगा। हम थोड़ा सा मिल्क पाउडर भी डाल देते हैं इसमें, 1.5 स्पून के आसपास लिया था, 1 टेबल स्पून 2 के आसपास ही होगा। देखने में तो काफी अच्छा लग रहा है, खाने में भी उतना ही अच्छा होगा। ये हमारा ये मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है लड्डू का, तो अब बस थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब हम इससे लड्डू बनाएंगे, थोड़ा घी ऐड करेंगे इसमें तो लड्डू बनके तैयार हो जाएंगे। इसमें थोड़ी चीनी कम लगी मुझे, तो मैंने थोड़ी सी शुगर और मतलब 3/4 कप से थोड़ी ज़्यादा, 1 कप के आसपास चीनी है। क्योंकि इसमें थोड़ी कम लग रही थी मुझे,
तो मैंने वो डाला। इस तरह तैयार है बनके ये बिल्कुल। हमने एक चम्मच इलायची पाउडर भी डाला क्योंकि ये फिनिश हो चुका है अब सिकना, थोड़ा फ्लेवर अच्छा आएगा, उससे खुशबू भी अच्छी आएगी, इसलिए थोड़ा घी भी डाला है। अब इसके हम लड्डू बनाएंगे। हम इसके लड्डू बनाएंगे, हमने थोड़ा घी कम ही डाला है क्योंकि ये ब्रेड बहुत ड्राई होती है ना, तो थोड़ा सा हम दूध डालेंगे और उससे लड्डू बना लेंगे हम, थोड़ा सा बहुत कम, एक डेढ़ चम्मच बस, ताकि उससे लड्डू ईजी बन जाएंगे क्योंकि ब्रेड बहुत ड्राई होती है। और देखिए इतना सारा घी कोई खाता नहीं है आजकल, तो कम घी डालें तो फिर भी डेढ़ दो चम्मच घी तो गया ही है क्योंकि ब्रेड बहुत ड्राई होती है। देखिए अच्छे बने, थोड़ा सा हल्का सॉल्टी टेस्ट आ सकता है ब्रेड की वजह से, लेकिन ऐसे खाने में बहुत टेस्टी है। उसके लिए आप कोकोनट बढ़ा सकते हैं या नट्स का पाउडर ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। वैसे इस तरह लड्डू बड़े अच्छे बन रहे हैं। ये काफी अच्छे लग रहे हैं खाने में, तो अच्छे हैं ही, लेकिन दाल बाटी के संग इसको खाते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। ये आपको दाल बाटी भी खिलाएंगे। ये हमारे लड्डू आपके लिए तैयार हैं, बिल्कुल ब्रेड के लड्डू कह सकते हैं इसे आप। हमेशा ब्रेड क्रम्स बनाना जरूरी नहीं होता, लड्डू भी खा सकते हैं उसके, और काफ़ी अच्छे बने हैं देखने में, खाने में भी अच्छे हैं। आप ट्राई ज़रूर कीजिए और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।